जिला में 3 दिन से हो रही बारिश ने सड़कों की सूरत बदल दी है। सड़कों को खासा नुकसान हुआ है। लगातार हो रही बारिश के कारण सड़कों पर गड्ढे बन गए हैं। इस कारण वाहन चालकों व राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात में लोक निर्माण विभाग को करीबन 38 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। विभाग ने सड़कों की दशा सुधारने के लिए प्राकलन तैयार कर लिया है। जैसे ही बरसात थम जाती है तो सड़कों की मरम्मत शुरू हो जाएगी। बड़सर उपमंडल में कई संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं और कई दंगे गिर गए हैं। अधिकतर मार्गों की टायरिंग उखड़ गई है, खड्ड का रूप धारण कर चुकी। ज्यादातर सड़कों का वाहन पर चलना परेशानी से कम नहीं है। सड़कों के किनारे नालियां न होने के कारण बरसात का पानी सड़कों पर बहने से टायरिंग उखड़ गई है। महरे ग्लोड बाया टिप पर बिजड़ी भोटा बाया रोपड़ी बिजड़ी उखली दंगोटा सलौनी जोल बाया जंदियाना महरे चकमो बाया घरोट तथा महारल उखड़ी बाया सठमी इत्यादि संपर्क मार्गों की हालत खस्ता हो गई है तथा इनमें से कई मार्ग लहास से गिरने से बंद हो गए हैं। बिजड़ी व चकमो बाजार में सड़क की हालत बहुत ही बदतर हो गई है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। ऐसे में दुकानदारों के साथ वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। बिजड़ी भोटा और रोपड़ी संपर्क मार्ग पर पपलाह के पास शुक्र खड्ड में एक वोल्वो जीप पानी की तेज बहाव के कारण फंस गई। चालक ने जीप से कूदकर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। 3 दिन से बारिश के कारण शुक्र खड्ड में पानी की तेज बहाव के कारण मार्ग पर वाहनों की आवाजाही दोनों तरफ से बंद पड़ी है, लेकिन कई वाहन चालक जान हथेली पर रखकर खड्ड पार कर रहे हैं। एक वोल्वो जीप चालक बाल बाल बच गया जब बेजबरन खड्ड पार करना चाह रहा था। चालक शुक्र खड्ड को पार कर रहा था कि अचानक जल स्तर बढ़ जाने से वोल्वो जीप फंस गई। हालांकि वाहन चालक ने अपनी जान बचा ली। करीब 4-5 साल से शुक्र खड्ड पर पुल का काम चला हुआ है। पुल कार्य कछुआ गति से छोने के कारण लोगों में रोष है। हर साल बरसात के दिनों में खड्ड जान हथेली पर रखकर पार करनी पड़ती है, लेकिन इसकी चिंता ना तो विभाग को है और ना ही प्रदेश सरकार को। ऐसे में वाहन चालकों को बिलासपुर व हमीरपुर व मंडी जाने के लिए ज्यादातर दूरी तय कर बाया सलौनी जाना पड़ता है।